नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और चैनल आप जानते हैं डेडिकेटेड है फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स फॉर सिविल सर्विसेज ऑप्शनल मैथमेटिक्स एंड बीएससी सीएसआईआर एंड मैनी अदर एग्जाम्स। ओके, तो आज से हम लोग बात करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं ग्रुप्स की स्टडी की। पेपर टू का सब्जेक्ट है सिविल सर्विसेज मेन्स की, अगर हम बात करें ऑप्शनल मैथमेटिक्स की। तो आज मैंने बहुत बेसिक्स में यानी कि ग्रुप्स का बिल्कुल बेसिक उठाया, मैंने 11 क्वेश्चन लिए हैं। लेकिन अगली क्लास से हम सॉल्व करेंगे हर्स्टीन की टॉपिक्स इन एलजेब्रा, ओके, और इसकी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, तो शुरुआत हम करेंगे ग्रुप पोस्टुलेट से, या ग्रुप कैसे बनते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ए ग्रुप इज ए सेट of abstract elements, for example A, B, C and so on, for which there is a single composition law, जिसके लिए एक single composition law है जिसको हम O से represent करते हैं। और ये जो composition है, ये addition हो सकता है, multiplication हो सकता है, division हो सकता है, subtraction हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है जिसको आप आने वाले questions में देखेंगे। और ये जो group है, ये निम्नलिखित चार postulates को सेटिस्फाई करता है। तो पहला पोस्टुलेट क्या है कि अगर इस सेट जिसको हम जी बोल रहे हैं, अगर इस सेट के दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में अगर ये कंपोजिशन ऑपरेशन लगता है दिस, देन द रिजल्टेंट दैट इज सी मस्ट बिलोंग टू द सेम सेट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी या ग्रुप प्रॉपर्टी। ये सबसे एसेंशियल है, करेक्ट। ओके, उदाहरण के लिए समझा देता हूं कि अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं और जो हम ऑपरेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं, हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं और हम ऑपरेशन लेते हैं एडिशन। ओके, तो हर हालत में दो इंटीजर्स का सम फिर से इसी सेट को बिलोंग करेगा। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी इज सिंपल, ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी ब्रैकेट प्लेस इन दिस वे। ओके, इसके बाद आता है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप के लिए, यानी कि वो सेट जिसको हम ग्रुप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, उस पूरे ग्रुप में एक यूनिक एलिमेंट ऐसा होगा, यूनिक, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे कि सारे जी के लिए, यानी कि उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए ऐसे मेंबर और इस मेंबर, यानी सारे मेंबर्स का अगर ये जो यूनिक एलिमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं इसके साथ अगर ये ऑपरेशन होता है ई ओ जी या जी ओ ई, तो रिजल्ट, सो रिजल्ट मस्ट बी जी इटसेल्फ अगेन। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उदाहरण फिर से यही लेता हूँ सेट ऑफ इंटीजर्स का। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के उदाहरण में लेता हूँ कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन कंपोजिशन, बिकॉज फाइव प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस फाइव इक्वल टू फाइव। ओके, सो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड देन फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ दिस सेट देयर एग्जिस्ट ए जी डैश, लिखा है इसको मैंने, ये इस तरह से लिखा गया है कि इस एलिमेंट का, और जिस एलिमेंट के लिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं उन दोनों के बीच का जो कंपोजिशन ऑपरेशन है वो चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, द रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। देन दिस एलिमेंट जी डैश इज कॉल्ड इनवर्स फॉर द एलिमेंट जी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हर एलिमेंट का जो सेट में जितने भी मेंबर हैं उसमें से प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इनवर्स होगा, सबका अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल पाँच की अगर हम बात करें तो पाँच का जो इनवर्स होगा वो माइनस फाइव होगा, बिकॉज फाइव प्लस माइनस फाइव इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। तो ये चार पोस्टुलेट्स हैं, और आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्लास जो है बेसिक्स की है बिल्कुल, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इन चारों पोस्टुलेट्स पर ही एग्जामाइन करेंगे कि वेदर ए गिवन सेट इज ए ग्रुप और नॉट। एंड आफ्टर दिस एक चीज़ और है जो बतानी है कि ग्रुप्स को हम अबेलियन तब बोलते हैं,
अबेलियन ग्रुप वो ग्रुप हैं जिसमें एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, अर्थात फॉर ए गिवन कंपोजिशन यदि ए ओ बी इक्वल टू बी ए ओ ए है, जहाँ पर ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी, देन सच ए ग्रुप इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। और तीसरा डिफिनीशन है कि अगर ग्रुप का जो जो ऑर्डर है, यानी कि ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये जो ऑर्डर है इट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ऐसे ग्रुप्स जिनके पास जो ऑर्डर है वो काउंटेबल है या जिनका फाइनाइट ऑर्डर है, दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट ग्रुप्स, एंड ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएंगे। सिंपल। और ये भी ध्यान रखिए कि अबेलियन ग्रुप को चूंकि कम्यूट करते हैं तो इसलिए इनको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहा जाता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। लेट अस टेक अवर फर्स्ट क्वेश्चन। द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स, दैट इज ये सेट इंटीजर्स का दिया गया है, इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन। बहुत सिंपल सवाल है, तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ I, A, O, B must belong to I. Yes, it belongs because A, O is obviously addition, so A plus B definitely belongs to the set of I. So, closure property holds. Next, we have associativity. Okay, for any three elements A, B, C, we must have A, O, B, O, C equal to A, O, B, O, C. But it is very much true in case of set of integers, because in set of integers, the rule of associativity holds true. So, associativity does hold true. And then we have identity element. तो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है इसका। अभी हमने पीछे बात की थी, अभी जब हम इसको इंट्रोडक्शन ले रहे थे, पोस्टुलेट्स पे बात कर रहे थे। बिकॉज फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू आई, वी हैव ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, मींस जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, एंड फाइनली वी हैव इनवर्स। ओके, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है हर एलिमेंट के लिए। अगर कोई एलिमेंट ए है बिलोंगिंग टू आई, देन ऑब्वियसली माइनस ऑफ ए डज बिलोंग टू सेंटर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड ए प्लस ऑब्वियसली माइनस ए इट इज इक्वल टू ई। ई मीन्स जीरो, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट ऑफ इंटीजर्स। सो ऑल दीज फोर पोस्टुलेट्स आर होल्डिंग ट्रू In the given case of set of integers. So set of integers is a group with respect to operation of addition. And finally, whether we see whether it is an abelian group or not. Yes, it is, because A plus B is equal to B plus A. In other words, A O B is equal to B O A for any two elements A and B belonging to set of integers. Hence, set of integers is an abelian or commutative group also. So that's the way this question is solved. Now let us take next question. Prove that the set G, this is the set, forms an infinite abelian group with respect to multiplication. So infinite to hai ye aap. तो यहाँ पर हमको दो चीजें प्रूव करनी है कि इट इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, नंबर एक और नंबर दो, इट इज एन अबेलियन ग्रुप। तो सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं, तो पोस्टुलेट नंबर वन यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। सो लेट अस टेक टू एलिमेंट्स ऑफ द सेट, से टू रेस टू पावर आर एंड टू रेस टू पावर एस बिलोंगिंग टू द सेट जी। ओके, नाउ द ऑपरेशन, द कंपोजिशन ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। सो टू रेस टू पावर ओ, ओ मीन्स ऑपरेशन, टू रेस टू पावर एस मीन्स टू रेस टू पावर आर इंटू टू रेस टू पावर एस equal to 2 raised to power r plus s, but since r and s are integers, so r plus s is also integers, 2 raised to power r plus s again belonging to the set, this set. Okay, hence the closure property holds true. Okay, ab dusra associativity dekhte hain. Achha, yahan par aap isko sum 2 raised to power p भी लिख सकते हैं, r plus s equal to, but obviously 2 raised to power p belongs to this group, hence
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू नाउ एसोसिएटिविटी लेट अस टेक थ्री एलिमेंट्स से ए बी सी एंड वी हैव टू प्रूव दैट ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी ओके सो लेट अस टेक ए इक्वल टू वंस अगेन टू रेस टू पावर एस बी इक्वल टू टू रेस टू पावर एस एंड सी इक्वल टू टू रेस टू पावर टी सो दिस ए ओ बी ओ सी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इट इज इक्वल टू 2 raise to power r into 2 raise to power s plus t. So it is equal to 2 raise to power r plus s plus t. It is equal to 2 raise to power r plus s into 2 raise to power t. So this is equal to 2 raise to power r into 2 raise to power s into 2 raise to power t means a o b o c. So associativity holds true. नेक्स्ट लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट तो ध्यान रखिए इट इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट सो लेट्स प्रूव इट फॉर एनी एलिमेंट बिलोंगिंग टू टू रेस टू पावर आर वी हैव टू रेस टू पावर माइनस आर बिलोंगिंग टू जी ओके So we have both of these elements in the group in this set. So obviously 2 raised to power into 2 raised to power minus r equal to 2 raised to power r minus r equal to 2 raised to power 0 equal to 1. Similarly 2 raised to power minus r 2 raised into 2 raised to power r equal to 2 raised to power minus r plus r equal to 2 raised to power 0 equal to 1. So 1 is the identity element. And inverse. So for any element 2 raised to power r belonging to set G, we have 2 raised to power minus r belonging to set G, such that 2 raised to power r into 2 raised to power minus r equal to 1. That is identity element. So obviously inverse for every element exists. And finally, we have to see whether it is an abelian group or not. Yes, it is. ये यहीं से prove कर देते हैं इस जगह से. So we have 2 raised to power r into 2 raised to power s equal to 2 raised to power r plus s. Hence it is equal to 2 raised to power s plus r. 2 raised to power r plus s equal to 2 raised to power s plus r equal to 2 raised to power s into 2 raised to power r. Means 2 raised to power s o 2 raised to power r. So a o b equal to b o a. Hence the given set is a group. First of all under multiplication and it's an abelian group. So this way this question is proved. So now let us take third question. Prove that the set C of all complex numbers Z equal to A plus IB where A and B are real numbers forms an infinite abelian group with respect to addition of complex numbers. So this is again a simple question. Obviously it's infinite because a real set of real numbers in an infinite set. Obviously Z is this set C. C is an infinite set. पहली चीज तो ये बात हुई अब बात करते हैं इसको ग्रुप प्रूफ करने की एडिशन कंपोजिशन में ओके सबसे पहले क्लोजर सो लेट अस टेक टू मेंबर्स से Z1 एंड Z2 बिलोंगिंग टू C. ओके सो Z1 ओ Z2 मींस Z1 प्लस Z2 मींस A1 प्लस आई बी वन ये तो हो गया Z1 प्लस A2 प्लस आई बी टू ये हो गया Z2 सो दिस इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस आई बी वन प्लस बी टू नाउ सिंस ऑल ए बीज आर रियल नंबर सो वी मे राइट इट एज सम C1 एंड दिस वी कैन B1 प्लस B2 वी कैन राइट इट डाउन एज D1 बट दिस इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर हैंस दिस गिवन सेट C इज ए closed set with reference to addition of complex numbers. Okay, associativity. Since associativity holds true in set of complex numbers, and associativity holds true also in this case. Okay, so we know that
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव, हेंस एसोसिएटिविटी होल्ड्स ट्रू फॉर सी. ओके, नाउ वी हैव टू सी द आइडेंटिटी एलिमेंट. ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स नंबर से जीरो प्लस आई इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, बिकॉज फॉर एनी एलिमेंट से ए प्लस आई बी वी हैव ए प्लस आई बी प्लस जीरो प्लस आई जीरो इक्वल टू ए प्लस आई बी इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो प्लस ए प्लस आई बी. ओके, सो दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट. एंड सिमिलरली इनवर्स, सो इनवर्स फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट बिकॉज फॉर एनी एलिमेंट से जेड बिलोंगिंग टू जेड वी हैव जेड प्लस ए इक्वल टू जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी. सो वी हैव माइनस जेड सच दैट माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आई बी. सो ऑब्वियसली जेड प्लस माइनस जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी प्लस माइनस ए माइनस आई बी इक्वल टू जीरो प्लस आई जीरो. दैट्स ऑल्सो इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट. एंड फाइनली वी हैव टू सी वेदर इट इज एन अबेलियन और नॉट. ऑफकोर्स इट इज एन अबेलियन बिकॉज ये पहले पेज पे देख लेते हैं यहीं कि दिस जेड वन ओ जेड टू इज इक्वल टू जेड टू ओ जी वन. सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि इट इज इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू प्लस ए वन प्लस आई बी वन एंड दिस इज इक्वल टू वंस अगेन जेड वन प्लस जेड टू. ओके, फ्रॉम हेयर सो द गिवन सेट इज ए ग्रुप अंडर addition and it's an abelian group under addition. Okay, so now let's take next question. Prove that the set of numbers of the form a plus b square root where a and b are rational is a group for the composition of addition. Bahut asaan question hai. So sabse pehle closure, let us take two numbers from the set, say p1 equal to a1 plus b1 root 3 and P2 equal to A2 plus B2 root 3. So P1 plus P2 equal to A1 plus B1 root 3 plus A2 plus B2 root 3 equal to A1 plus A2 plus B1 plus B2 root 3. Now I can write it down as some C1 and this C2. बट दिस इज अगेन ऑफ द सेम फॉर्म हैंड्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स. और यहीं पर मैं इसको अबेलियन प्रूव कर देता हूं इसी जगह. ऑब्वियसली पी वन प्लस पी टू इज इक्वल टू पी टू प्लस पी वन. सिंपल, देन वी हैव एसोसिएटिविटी. नाउ दिस इज एन irrational number. Okay, and we know that the associativity holds true for irrational numbers under addition. Simple cheez ye hai ki addition of 3 irrational numbers remains the same irrespective of how the numbers are grouped. Okay, और यहां पर मैं ये भी कर सकता हूं addition of three or more. Simple, ठीक. तो associativity holds. इसके बाद बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की. सो आइडेंटिटी एलिमेंट इज
जीरो बिकॉज क्लियर सो द आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो एंड देन इनवर्स इन इनवर्स इज ऑब्वियसली माइनस ए माइनस बी रूट थ्री because for any number say a plus b root 3 we have minus a minus b root 3 equal to 0 plus 0 root 3 proved let us take now the next question so let us see this question prove that the set c 0 of all non-zero complex numbers so important thing is non-zero Complex number is a group with respect to multiplication of complex numbers. So C0 is obviously any number Z complex number equal to A plus IB where A and B are real numbers and both A and B together are not zero. Okay, so सबसे पहले इसमें closure property को prove करते हैं. Postulate number one. So let us have two complex numbers say Z1 and Z2. Okay. And now let us see what is the value of Z1 or Z2 that is Z1 into Z2. So let us say Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is A2 plus IB2. Okay. So this is equal to A1 plus IB1 into A2 plus IB2. Correct? So this is A1 A2 minus B1 B2 plus I A1 B2 plus A2 B1. Okay. और इसको मैं निश्चित रूप से एज सम C1 लिख सकता हूँ और इसको मैं D1 लिख सकता हूँ बट C1 plus I D1 is again a complex number and since A and B, I mean all A and all B are not equal to 0, so C1 and D1 साइमल्टेनियसली टुगेदर दे आर नॉट इक्वल टू जीरो तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स और यहीं पर प्रूव कर सकते हैं अबेलियन भी मीन्स जेड वन ओ जेड टू इक्वल टू जेड टू ओ जेड वन सिंपल है और इस तरह से हम लोग पिछले भी क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं ओके नेक्स्ट हमें इसकी जो प्रॉपर्टी देखनी है वो है एसोसिएटिविटी तो एसोसिएटिविटी में आपको ये ध्यान रखना है दैट एसोसिएटिविटी होल्ड्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन ओके तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है और अब हम देखते हैं इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ एक चीज़ मैं आपको इस मामले में मैं एक चीज़ और समझाता हूँ आपको कि हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए यहाँ पर कि क्या ये यानी कि दिस एंड दिस ये दोनों ज़ीरो तो नहीं है साइमल्टेनियसली तो अगर ये साइमल्टेनियसली ज़ीरो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो हमें इन्हें इस तरह से लिखना होगा करेक्ट है ना एंड दिस इज प्लस ए टू बी वन इक्वल टू ज़ीरो लेकिन ये दोनों इक्वेशंस तभी ट्रू हो सकते हैं होल्ड कर सकते हैं व्हेन ए वन बराबर ए टू बराबर बी वन बराबर बी टू इक्वल टू ज़ीरो विच इज़ नॉट पॉसिबल इसके कारण ओके चलिए नेक्स्ट लेते हैं मतलब आइडेंटिटी समझते हैं नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट इज वन प्लस ज़ीरो आई ओके why because any number say a plus ib multiplied by 1 plus 0 i will again give you a plus ib similarly 1 plus 0 i into a plus ib once again will give you a plus ib so 1 plus 0 i or rather say 1 is the identity element and now let us see inverse So inverse is obviously suppose inverse is some z1 so we have to see a plus ib into inverse say z1 since z1 is inverse so a plus ib multiplied by z1 will give us the identity element that is 1 so z1 is equal to 1 plus a plus ib
इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो ऑब्वियसली ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी कैन राइट इट डाउन एज सम पी एंड दिस इज बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी कैन राइट इट डाउन एज सम क्यू. सो इट इज अगेन पी माइनस आई क्यू इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर. So this way we have got the inverse. The inverse of a plus ib is a upon a square plus b square minus I into b upon a square plus b square. Okay, so identity does exist for the group and inverse exists for each and every element of the group. So this way this C0 has been established to be an abelian group under multiplication where the set C0 contains non-zero complex numbers. Okay, so now let's take next question. Prove that the set of all complex numbers Z such that bar Z modulus Z equal to 1 forms a group with respect to multiplication of complex numbers. Now by virtue of this we have if Z equal to A plus IB then A square plus B square root equal to 1 or a square b square equal to 1. This is the condition and this means both a and b together are not equal to 0. ओके okay, और एक दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर की और लिख लेते हैं. मल्टीप्लिकेशन दिया गया इसलिए इसको मैंने ऐसे लिखा इट इज इक्वल टू मॉडुलस जेड इनटू मॉडुलस जेड टू दैट इज 1 इनटू 1 इक्वल टू 1. ये मैंने इसने लिखा कि यहां से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है. ओके okay, और इसके बाद एसोसिएटिविटी. तो पिछले दो क्वेश्चन से ये बात लगातार हो रही है कि एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन और एंड ऑफ कोर्स फॉर एडिशन आल्सो. ये बात हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में की है. यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है और वो स्पेसिफिक टाइप क्या है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द सेट वी हैव दिस. ओके बट ऑफ कोर्स दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर and hence the associativity shall hold for multiplication. Okay, the associativity does hold. Now we talk about identity element. Obviously identity element is 1 plus 0i that is equal to 1. Obviously 1 plus 0 is equal to 1. So ye condition hold karti hai दिस आइडेंटिटी एलिमेंट 1 प्लस 0 आई के इसके लिए. ओके एंड नंबर दो फॉर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के लिए ऑब्वियसली ए प्लस आई बी इंटू 1 प्लस 0 आई इक्वल टू ए प्लस आई बी. ओके हैंस 1 प्लस 0 आई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ element say z which is equal to a plus ib such that a square plus b square equal to 1. Now its inverse is of course 1 upon a plus ib equal to a minus ib upon a square plus b square but a square plus b square equal to 1. So it is equal to a minus ib and of course modulus of z inverse is equal to a square which is again a square plus b square and it is given to be 1. So a square plus b square equal to 1. Okay, so this is also z inverse is a member of this given set. So this way this set of complex numbers such that modulus z equal to 1 forms a group with respect to multiplication of complex numbers. Okay, so now let's take the next question.
इफ सेट ए इक्वल टू वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट. सो वी हैव ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन मीन्स ओमेगा क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो मीन्स ओमेगा माइनस वन इंटू ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो. देन वी हैव ओमेगा इक्वल टू वन एंड एंड फ्रॉम हेयर वी हैव ओमेगा इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वन माइनस फोर अपॉन टू मीन्स माइनस हाफ प्लस माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू. यहाँ से वन वैल्यू ऑफ ओमेगा इज प्लस रूट थ्री अपॉन टू आई देन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन फोर माइनस रूट थ्री अपॉन टू आई माइनस थ्री अपॉन फोर इक्वल टू माइनस हाफ माइनस रूट थ्री अपॉन टू आई विच इज सेकेंड रूट ऑफ ओमेगा. सो फर्स्ट रूट ऑफ ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन इज ओमेगा ओमेगा इक्वल टू वन. सेकेंड रूट इज माइनस हाफ प्लस रूट थ्री बाई टू एंड थर्ड रूट इज ओमेगा स्क्वायर दैट इज माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आई. यहाँ से अब इन तीन क्यूब रूट्स को एक के तीन क्यूब रूट जो मिले इनको हम इस एक टेबल में लिख सकते हैं अंडर मल्टीप्लीकेशन कंपोजिशन इस तरह से. सो वन इंटू वन वन इंटू ओमेगा इज ओमेगा वन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू वन इज ओमेगा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन ओमेगा स्क्वायर इंटू वन इज ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा रेज टू पावर फोर एंड विच इज अगेन ओमेगा. नाउ ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन तो इसको मैं वन लिखूंगा. अच्छा ओमेगा रेज टू पावर फोर जो मैंने ओमेगा लिखा इट इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बट ओमेगा क्यूब इज वन सो इट इज ओमेगा हैंस इट इज ओमेगा. सो दिस इज द टेबल. ये टेबल आपको ध्यान रखनी चाहिए और इसी टेबल से हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं. तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो तुरंत ही मैंने आपके सामने करी दी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में एनी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप यानी कि वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विल गिव यू एन एलिमेंट फ्रॉम द सेम सेट आई मीन दैट इज वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. ओके सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड. एसोसिएटिविटी इज वेरी सिंपल बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो द एसोसिएटिव लॉ. हम पिछले दो तीन क्वेश्चन से कर रहे हैं तो इसलिए एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है. और अब बात आती है आइडेंटिटी की. सो वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और इसके पश्चात इनवर्स. सो वन का इनवर्स वन ओमेगा का इनवर्स वन अपॉन ओमेगा मीन्स ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब बट ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन सो ओमेगा का जो इनवर्स हुआ वो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हुआ वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा क्यूब इक्वल टू ओमेगा अर्थात ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स हुआ ओमेगा ओमेगा का इनवर्स हुआ ओमेगा स्क्वायर और वन का इनवर्स हुआ वन और ये फिर से इसी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं. ओके सो दिस वे दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व. नेक्स्ट prove that the set consisting of the four fourth roots of unity forms an abelian group with respect to multiplication composition. to pehle to unity ke char root dekh lete hain. to iske liye humko lena padega sum x equal to 1 raised to power 1 by 4 means x raised to power 4 equal to 1 means x raised to power 4 minus 1 equal to 0 means x square minus 1 into x square plus 1 equal to 0 means x equal to plus minus 1 and plus minus i. so these are fourth roots of unity. ab hame prove karna hai ye jo set hai jisme char members hai plus minus 1 and plus minus i
इट फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। तो इसकी टेबल तैयार कर ली है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से, तो उस टेबल को मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द टेबल। नाउ लेट अस सी, 1 इनटू 1 इज 1, 1 इनटू माइनस 1 इज माइनस 1, 1 इनटू आई इज आई, 1 इनटू माइनस आई इज माइनस आई, माइनस 1 इनटू 1 इज माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 इज प्लस 1, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, तो आप यहीं से बहुत क्लियर हो जाता है कि ये जो चार एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप में, 1 माइनस 1 आई और आई, ये ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, क्योंकि आप जब आप इन एलिमेंट्स में से किसी एक की गुणा इन में से किसी एक एलिमेंट से, यानी कि सेम एलिमेंट से करते हैं, तो आपको जो परिणाम मिलते हैं वो इस टेबल में लिखे हुए हैं, जो ऑब्वियसली यही एलिमेंट्स हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू बिकॉज ए ओ बी बिलोंग्स टू द सेट जी इटसेल्फ, वेयर जी इज द सेट ऑफ द फोर एलिमेंट्स प्लस माइनस आई एंड प्लस माइनस वन। ओके, नाउ एसोसिएटिविटी, और पिछले कुछ क्वेश्चन से हम लोग बात कर रहे हैं और आपको क्लियर भी है कि इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एसोसिएटिविटी होल्ड्स टू फॉर मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन। तो एसोसिएटिविटी डज होल्ड इन दिस सेट ऑफ फोर एलिमेंट्स, आई मीन प्लस वन माइनस वन एंड प्लस आई माइनस आई। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट आइडेंटिटी। सो ऑब्वियसली वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, because any element being multiplied with 1 will give you the element itself, number itself. Okay, and then we have inverse. अब इनवर्स पाने का, ऐसी टेबल से इनवर्स पाने का तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि लेट अस टॉक अबाउट 1. तो इस रो में हम ये देखें कि एक कहाँ आ रहा है, तो एक यहाँ आ रहा है, इसके कॉलम हेड को देखें तो ये 1 है, तो इस 1 का इनवर्स ये हुआ, ओके, माइनस वन। अब माइनस वन इस रो में देखें कि वन कहाँ आ रहा है, तो वन यहाँ आ रहा है, तो इसलिए माइनस वन का जो इनवर्स हुआ वो ये हुआ, माइनस वन हुआ। नाउ लेट अस सी आई, इस रो में वन कहाँ आ रहा है, वन यहाँ आ रहा है, तो इसका इनवर्स हुआ माइनस आई, ऑब्वियसली आई इंटू माइनस, माइनस आई स्क्वायर, दैट्स माइनस इंटू माइनस इन प्लस वन। ओके, और यहाँ पर देखें माइनस आई, तो यहाँ पर वन यहाँ आ रहा है, इसलिए इसका इनवर्स ये हुआ। तो हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है उसी ग्रुप में, तो इनवर्स डज एग्जिस्ट। एंड फाइनली लेट अस टॉक अबाउट अबेलियन प्रॉपर्टी। अबेलियन प्रॉपर्टी को इस टेबल में पाना बहुत सरल है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आईथ रो में जो एलिमेंट्स हैं उनका क्रम बिल्कुल वही है जो आईथ कॉलम में है, तो इसका मतलब यह है कि जो दिया हुआ गया ग्रुप है वो अबेलियन है। नाउ लेट अस सी फर्स्ट रो। तो रो वन इज इक्वल टू कॉलम वन। देखिए रो वन है वन माइनस वन आई माइनस आई, सो इज वन माइनस वन आई माइनस आई। लेट अस सी आर टू। आर टू इज ऑब्वियसली इक्वल टू सी टू बिकॉज आर टू इज माइनस वन वन माइनस आई आई, सो माइनस वन वन माइनस आई आई। आर थ्री इज ऑब्वियसली इक्वल टू सी थ्री। आर थ्री इज आई माइनस वन वन, सो आई माइनस आई माइनस वन वन, सो इट इज इक्वल टू सी थ्री। एंड आर फोर इज डेफिनेटली इक्वल टू सी फोर बिकॉज आर फोर इज माइनस आई आई वन माइनस वन, सो इट इज माइनस आई आई वन माइनस वन। सो दिस वे अबेलियन प्रॉपर्टी डज होल्ड ट्रू इन दिस ग्रुप। ओके, सो दिस वे दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व। और शुरुआत में जब हम ग्रुप पॉस्टुलेट्स पढ़ रहे थे, सो लेट्स गो टू दैट स्लाइड अगेन। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये जो कंपोजिशन लॉ है, ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ और भी हो सकता है, जिसको हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो उसमें जो कंपोजिशन लॉ है वो कुछ डिफरेंट है। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वैक्टर्स इन स्पेस डू नॉट फॉर्म ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू वैक्टर मल्टीप्लीकेशन एज कंपोजिशन बट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू वैक्टर एडिशन। ओके, अब पहले इसको प्रूव कर देते हैं कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अगर कंपोजिशन के रूप में लिया जाए तो वेक्टर्स का सेट डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि सपोज वी हैव थ्री वेक्टर्स ऑफ द ग्रुप से ए बी एंड सी, देन ऑब्वियसली ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, हैंस एसोसिएटिविटी
फेल्स टू एग्जिस्ट। तो ये तो प्रूव हो गया, बट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन अगर है तो ये ग्रुप, तब ये सेट ए ग्रुप होगा। बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि वेक्टर एडिशन इज, वेक्टर का बात है तो वेक्टर एडिशन इज ऑब्वियसली रिजल्ट्स अगेन इन ए वेक्टर, बिकॉज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ऑब्वियसली इक्वल टू सम वेक्टर सी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। नंबर दो, एसोसिएटिविटी डज होल्ड ट्रू इन वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि वेक्टर एडिशन एसोसिएटिविटी लॉ को होल्ड करता है, तो एसोसिएटिविटी होल्ड्स ट्रू। ओके, नंबर तीन आइडेंटिटी, देन ऑब्वियसली वेक्टर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंपल, बिकॉज द सम ऑफ एनी वेक्टर ए एंड वेक्टर जीरो इज अगेन द सेम वेक्टर। ओके, एंड देन वी हैव इनवर्स, सो इनवर्स डज एग्जिस्ट फॉर एवरी वेक्टर ए, वी हैव एन इनवर्स से माइनस ए, बिकॉज ए प्लस माइनस ए इक्वल टू जीरो वैक्टर। सो ऑब्वियसली सेट ऑफ वैक्टर्स इन स्पेस इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू वैक्टर एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें इसी जगह कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, देन सेट ऑफ वेक्टर्स डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स, बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा एंड इट इज नॉट ए वेक्टर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल्स टू एग्जिस्ट इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट फॉर ए सेट ऑफ वेक्टर्स, हेंस देन the set of vectors is not a group with reference to dot product as a composition. Okay, now let's take the next question. Prove that the set of all m into n matrices having elements as integers, rational, real or complex numbers is an abelian group with matrix addition as composition. Now closer property holds true because for any two m into n matrices we have matrix A plus B is again a matrix of the same order, correct? So closure property holds. Matrix addition, I mean compatible matrices ki baat ho rahi hai, so matrix addition is a बाइनरी ऑपरेशन। ओके, एसोसिएटिविटी, नाउ फ्रॉम द मैट्रिक्स एलजेब्रा वी नो दैट सम ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ओके, सो दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू। एंड देन आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि नल वेक्टर वाज एन आइडेंटिटी वेक्टर, इसी तरह से यहां पर जो नल मैट्रिक्स है ऑफ द ऑर्डर m इनटू n इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इनवर्स की बात करते हैं, सो फॉर एनी मैट्रिक्स a वी हैव इट्स इनवर्स से माइनस a, बिकॉज a प्लस माइनस a एंड बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड दिस रिजल्ट्स इन नल मैट्रिक्स of the order m into n. And further, so sum of two matrices A plus B is again equal to B plus A, hence abelian property does hold true. So this way this question has been solved. Now let's take next question. Prove that the set of all n into n non-singular matrices having their elements as rational, real or complex numbers is an infinite non-abelian group with matrix multiplication as composition. If the elements were integer, then will it be a group? तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं रैशनल्स हैं, चाहे वो रियल हों या कॉम्प्लेक्स हों। तो हमें इसे प्रूव करना है कि इनफाइनाइट है, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज रैशनल्स आर इनफाइनाइट एंड इट्स नॉन अबेलियन ग्रुप है ये विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। सो सबसे पहले क्लोजर,
ऑब्वियसली इफ ए इज एनी एन इन टू एन मैट्रिक्स एंड बी इज अनदर एन इन टू एन मैट्रिक्स देन ऑलवेज ए बी एग्जिस्ट्स. तो क्लोजर प्रॉपर्टी डज होल्ड ट्रू. एसोसिएटिविटी, from matrix algebra it is clear that two compatible matrices, two or more compatible matrices are always associative, okay, are always having associativity property. So this also holds true. Then we have identity. Then obviously unit matrix of the order n is identity matrix because A into I both n guna n equal to A. Then inverse, since the matrix is non-singular, hence first of all for any matrix A, A inverse exists. And we also know that if A is non-singular, then A inverse is also non-singular. So inverse exists for every matrix of the group. Okay. And non-abelian, yes, of course, non-abelian, because two matrices of the order n, the product AB is not necessarily equal to BA. Hence, it is a non-abelian group. Okay. Now this has been solved. अब जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इफ द एलिमेंट्स वर इंटीजर देन विल इट बी ए ग्रुप. नो, प्रूव कर देते हैं. इसलिए नहीं होगा कि जो प्रोडक्ट होगा दो मैट्रिसेस का जिनके जो एलिमेंट्स हैं सारे वो सब इंटीजर्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैट्रिक्स होगी ए बी, कतई आवश्यक नहीं है कि इनके जो प्रोडक्ट ए बी है इनके भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हों. मैं आपको एक करके दिखाता हूँ. Now let us take any 2 by 2 matrix. तो एक matrix लेते हैं 2 by 2 और इसको define करते हैं sum A B C D. Obviously A inverse is equal to D minus B minus C A 1 upon इसका जो determinant है that is A D minus B C. So ये इसका इनवर्स हुआ. चेक कर लेते हैं. ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाई ए डी माइनस बी सी, डी माइनस बी माइनस सी ए, इट इज इक्वल टू वन अपॉन ए डी माइनस बी सी एंड दिस इज ए डी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी डी माइनस सी डी माइनस बी सी प्लस ए डी. ओके, ओके एंड सो दिस इज, तो ये इसका इन्वर्स है. अब हर हालत में अंदर जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के वो हो गए d अपॉन ए डी माइनस बी सी माइनस बी अपॉन ए डी माइनस बी सी माइनस सी अपॉन ए डी माइनस बी सी एंड a अपॉन ए डी माइनस बी सी एंड ऑब्वियसली दीज नंबर्स आर नॉट ऑलवेज integers, obviously depends upon the value of a b c d and these numbers, these elements of the matrix may always be rational numbers also. Okay, so this way matrix multiplication as composition isme hold nahi karega kyunki closure property hold nahi kar rahi, kyunki a inverse is not belonging to the set itself because all elements of a inverse are not necessarily integers. So that way this has been proved. Acha, isko ek udaharan se bhi samajh lete hain. सपोज ए बराबर 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4. सो मैट्रिक्स ए इज ऑब्वियसली 1, 2, 3, 4 एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू डी अपॉन मीन्स 4 अपॉन ए डी माइनस बी सी. नाउ ए डी माइनस बी सी इज 4 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2. सो दिस इज दिस थिंग माइनस बी
सो माइनस टू अपॉन माइनस टू एंड देन माइनस सी, सो दिस इज माइनस थ्री अपॉन माइनस टू एंड ए ए इज वन माइनस टू, देन ऑब्वियसली दिस इज माइनस टू वन, बट नाउ दिस इज थ्री अपॉन टू एंड दिस इज माइनस हाफ. तो ये दो एलिमेंट्स जो हैं तीन बटे दो और माइनस हाफ ऑब्वियसली इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये इसका वायोलेशन करते हैं. ओके, सो आई थिंक द पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू यू. सो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स. और अब आज इस क्लास के बाद, ये बेसिक क्लास थी, अगली क्लास से मैं आपको हर्स्टीन की जो बुक है टॉपिक ऑफ अलजेब्रा, इससे ग्रुप्स की एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाऊंगा इन क्लासेस में. ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में. यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे हर हालत में इस टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं. तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. एंड वन मोर थिंग, द नेम ऑफ द बुक इज नॉट टॉपिक्स ऑफ एलजेब्रा, इट इज बेसिकली टॉपिक्स इन एलजेब्रा. Okay.